सब्सक्राइब कीजिए सुमित ऑनलाइन क्लासेस को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। सुमित ऑनलाइन क्लासेस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है शो द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्ड कैपिटल अकाउंट, पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है उसके अंदर रिकॉर्ड करो किसके, पार्टनर सोहन और पार्टनर कौन है मोहन इन देयर कैपिटल अकाउंट जो क्या है फ्लक्चुएटिंग है, ठीक है ना। तो कैपिटल क्या है फ्लक्चुएटिंग है, फ्लक्चुएटिंग के अंदर सिर्फ एक अकाउंट बनेगा जिसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। अगर फिक्स होती तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट बनता और एक करंट अकाउंट बनता। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, कैपिटल दे रखी है हमारे को, ठीक है। उसके बाद ड्रॉइंग दे रखी है, ओपनिंग कैपिटल है 1 अप्रैल की, ड्रॉइंग दे रखी है इस साल की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है हमारे को निकाल के, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टनर की सैलरी भी दी हुई है, कमीशन भी दिया हुआ था, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डाल देना है। तो यहाँ कौन आ जाएगा सोहन, ठीक है, और यहाँ कौन आ जाएगा मोहन, ठीक है, यहाँ सोहन और यहाँ मोहन, ठीक है। फर्स्ट कहता है कैपिटल डाल दो, तो सबसे पहले क्या डालोगे, बाय बैलेंस बीडी ब्रोट डाउन कितनी डालनी है, 4 लाख और ये 3 लाख, ठीक है। नेक्स्ट कहता है जी क्वेश्चन ड्रॉइंग दे रखी है कितनी, 50,000 30,000, तो नेक्स्ट क्या लिखेंगे टू ड्रॉइंग, ठीक है, ड्रॉइंग कितनी है 50,000 और 30,000, तो 50,000 और ये 30,000। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दो, कितना निकालना है 5%, तो 1% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 4,000, 5% कितना हो जाएगा 20,000, तो क्या लिखेंगे टू, क्या है ये क्वेश्चन है, ये थी ड्रॉइंग, ठीक है, लिख दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो क्रेडिट साइड आएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है ये 5,20, तो ये कितना हो जाएगा 20,000 और ये कितना हो जाएगा 15,000, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकाल के दी हुई है हमारे को, कितनी दी है 1,250 और 750, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है प्रॉफिट भी दिया हुआ है, लिखो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से अमाउंट आया कितना है 60,000 50,000, 60,000 और ये 50,000। नेक्स्ट कहता है पार्टनर की सैलरी भी दी हुई है 36,000 लिख दें, बाय कौन है ये पार्टनर सैलरी, ठीक है, सैलरी कितनी है ये पार्टनर को सोहन को मिली है 36,000, ठीक है, और मोहन को मिली नहीं। नेक्स्ट कहता है कमीशन, कमीशन दोनों को मिला है, बाय कमीशन, ठीक है, कमीशन कितना मिला है 5,000 और ये 3,000, अब इनका टोटल कर लो बाकी तो कुछ है नहीं, 3 लाख प्लस 15,000 प्लस 50,000 प्लस 3,000 कितना आ जाएगा 3,68,000, ठीक है, यहाँ भी कितना आ जाएगा 3,68,000, और इसमें से क्या माइनस करना है, माइनस कर दो 30,000, माइनस कितना कर दो 750, 750, ठीक है, तो मेरे पास आंसर आएगा 3,37,250, ये क्या आ जाएगा टू बैलेंस सी डी कैरी डाउन। नेक्स्ट अगर हम कैलकुलेट करें 4 लाख प्लस 20,000 प्लस 60,000 प्लस 36,000 प्लस 5,000, तो मेरे पास आएगा 5,21,000, 5,21,000, ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5,21,000, ठीक है, इसमें से क्या माइनस करना है आपको 50,000, तो एक माइनस करना है और माइनस कितना करना है 1,250, 1,250, तो मेरे पास आएगा 4,69,750, ठीक है, तो आपने ऐसे इसको डील करना है। अगर आपसे वो क्वेश्चन पूछ लेता कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट हमारे को निकालना है, तो नेट प्रॉफिट भी निकाल देते, सबसे पहले क्या डालते हैं इसके अंदर जो ट्रांजेक्शन डालनी है, तो ओपनिंग कैपिटल तो इसके अंदर आएगी नहीं, यहाँ क्या आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ लिख देते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, यहाँ पर है एक तो दे रखा है सोहन को और एक मोहन को, सोहन को कितना दिया है
20,000 और इसको कितना दिया है 15,000, तो ये कितना हो जाएगा आपका 35,000। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है इनको, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ये तो लास्ट के आइटम है। सैलरी दी है, किसको मिली है ये, टू एस कैपिटल अकाउंट, कितनी मिली है ये 36,000। नेक्स्ट क्या मिला है, कमीशन मिला है, टू कमीशन किसको दिया है, सोहन को दिया है, मोहन को दिया है, कितना 5,000 3,000, तो ये कितना हो जाता है 8,000। नेक्स्ट क्या मिला था, शेयर प्रॉफिट मिला था, तो नेक्स्ट क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, एस के में मोहन के में, एस में कितना मिला था 60,000 और इसको कितना मिला था 50,000। ठीक है, 60 50 कितना हो जाता है 1,10,000। ठीक है, तो इनका टोटल कैलकुलेट करूं, ये आ जाएगा 35,000 प्लस 36,000 प्लस 8,000 प्लस 110, ये आ जाएगा 1,89,000, ये भी कितना आ जाएगा 1,89,000। अब हमारे क्वेश्चन में दिया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, सोहन से और मोहन से, सोहन से कितनी ली थी हमने 1,250 और इससे कितनी ली थी 750, तो कितना करेंगे 1,250 प्लस कितना करेंगे 750, तो ये कितना हो जाता है 2,000। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय नेट प्रॉफिट कितना है, इसमें से आप क्या करो 2,000 माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा 1,87,000। तो ऐसे आप नेट प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं अगर क्वेश्चन आपसे डिमांड करें। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सुझाव या कोई शिकायत है तो वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।